आज मैं बनाने जा रही हूँ जिमीकंद का भुड़ता, इसको ओल भी बोलते हैं, और दीपावली में हर घरों में बना करके खाई जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, इसके छिलके हटा देंगे। तो इस तरह से इसके छिलके हटा देंगे साइड साइड से, मोटे मोटे छिलके। इस तरह से सभी जिमीकंद के छिलके हटा लिए हैं। अब इसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। इस तरह से मैंने पीसेज में कट कर लिया है। अब इसको इस तरह से कट करेंगे। सभी जिमीकंद को मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब सभी ओल को इस तरह से धो लेंगे। और यहाँ पे मेरा हाथ कट गया है, देखिए इतनी धारदार चाकू है ना, इसे थोड़ा सा लग गया। आप लोग सावधानी से कीजिएगा। अब इसको साफ से अच्छी तरह से धो लेंगे जिमीकंद को। अब कुकर में सभी ओल को डाल देंगे। अब डालेंगे इसमें पानी, हाफ चम्मच नमक डालेंगे और आधी चम्मच हल्दी, और ढक्कन लगा करके इसको 3-4 सीटी लगने देंगे जब तक पक ना जाए। तो गैस पे मैंने कुकर को चढ़ा दिया है। ओल उबल रहा है तब तक टमाटर और धनिया पत्ता काट लेते हैं। तो ओल यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीका से पक गया है। इस तरह से पूरा अच्छा से पक जाना चाहिए। अब कढ़ाई ले लेंगे, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो गया। अब इसमें तेल डालेंगे। जिमीकंद की सब्जी में तेल थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है और सरसों तेल में ही अच्छी बनती है। आधी चम्मच जीरा डालेंगे और थोड़ी सी हींग डालेंगे, 1 पिंच के लगभग। 2-3 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च जीरा को थोड़ा चटकने देंगे। हरी मिर्च जीरा चटक गया, अब 1 कटे हुए टमाटर इसमें डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। अब टमाटर में नमक को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस टमाटर में नमक को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट के लिए टमाटर को पकने देंगे। टमाटर पक गया, अब 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच से थोड़ी सी कम यहाँ पे गरम मसाला डालेंगे। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, धीमी आंच पे 2-3 मिनट के लिए मसाले को भून लेंगे। मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं, तेल सेपरेट हो गया मसाले में। इसी तरह से आपको मसाले को यहाँ पे भूनना है। अब इसमें उबले हुए ओल को डालेंगे। मसाले में ओल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ओल को जो बड़े टुकड़े हैं उसको अच्छी तरह से इस तरह से तोड़ लेंगे। तोड़ के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, 2 मिनट के लिए। अब ढक्कन हटा लेंगे। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है ओल का चोखा। अब गैस की आंच को बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के लगभग नींबू का रस। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और डालेंगे धनिया पत्ता। बहुत टेस्टी बनती है, आप लोग एक बार जरूर बना करके खाइएगा। धनिया पत्ता डाल के उसको मिक्स करेंगे और 1 चम्मच सरसों तेल, कच्चा सरसों तेल यहाँ पे डालेंगे। सरसों तेल डाल के इसको मिक्स करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे अचार का मसाला भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत टेस्टी बनती है। मैंने जिस ओल का इस्तेमाल किया है भरता बनाने के लिए, इसको मान ओल बोलते हैं। इसको आप बिना नींबू का भी बना सकते हो, इससे मुंह में खुजली बिल्कुल नहीं होती। इसकी सब्जी भी बहुत टेस्टी बनती है और ऊपर से धनिया पत्ता से गार्निश कर देंगे। तो ये टेस्टी ओल का भरता बनकर के तैयार है। इसको बिहार यूपी में दीपावली के दिन जरूर बनाया जाता है और बहुत अच्छी बनती है। इसको शुभ माना जाता है, इसीलिए दीपावली के दिन बनाया जाता है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो भी कर लीजिएगा।